हेलो डियर वीवर, वेलकम, स्वागत सभी का, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो आज का जो वीडियो है वो है जी न्यू सैफ्रॉन वंदे भारत चेयर कार ट्रेन जर्नी IRCTC फूड रिव्यूज। आगे चेयर कार चेन्नई टू SMVT चेन्नई टू SMVT किस चीज की एब्रिवेशन है ये पता नहीं किसकी है। बेंगलुरु में कोई SMVT क्या कोई स्टेशन होगा ना। यस, देखते हैं। चलें और करें स्टार्ट वीडियो। यस, किया था ना वो केरला वाले वंदे भारत का इनॉग्रल था। यही अपना ट्रेन है, देख लो भाई, बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखती है ये। सर्विस वगैरह अच्छा है, लेकिन यही है डिनर मजा नहीं आया खाकर। डिनर और बढ़िया हो सकता था। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और ऑलमोस्ट 10 या 15 दिनों बाद मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ इंडिया से, नहीं तो भाई कभी मलेशिया तो कभी सिंगापुर। वैसे आपको टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा कि बहुत दिनों बाद आज होने वाला है मेरा ट्रेन जर्नी, वो भी काफी कमाल का ट्रेन है ये। फिलहाल जो मेरा ट्रेन है ना वो शाम के 5 बजे है, ऑलरेडी 4:30 बज गया, लेकिन स्टेशन के बाजू में ही अपना होटल है तो कोई दिक्कत है नहीं। और वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बता दूं, होप कि आप लोगों को मेरा सिंगापुर सीरीज एंड मलेशिया सीरीज अच्छा लगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में ना मैं दोनों का प्लेलिस्ट दे दूंगा, अदरवाइज मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो, मिल जाएगा आपको मेरा दोनों जगह का ब्लॉग। तो जाके देखना, अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। बैंगलोर हम लोग कौन से ट्रेन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो हम लोग स्टेशन पहुंच के बताते हैं। फिलहाल अभी निकलते हैं। और ये जो होटल आप लोग देख रहे हो ना, ये स्टेशन के बाजू में ही था। स्टेशन के बाजू में मतलब 400 मीटर दूर है यहाँ से स्टेशन। देखो मैं बताया ना, हमारा जो होटल था ना एकदम स्टेशन के बाजू में ही था, इसलिए वॉक करते करते ही हम लोग इधर आ गए। बस जाते हैं स्टेशन के अंदर, एंटर करते हैं। वैसे वो हमारा ट्रेन है, देख लो 20664 SMVT बैंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 2A। तो हमें 2A पे जाना पड़ेगा अभी। फाइनली देख लो अपने ट्रेन के पास आ गया हूँ मैं, मतलब अपने स्टेशन पे आ गया हूँ। स्टेशन जो है 2A है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 होता है, 2 होता है, 2A कौन सा होता है। तो दिख गई, सामने ही दिख गई। एक्चुअली इसका जो कलर है ना इतना खूबसूरत है कि दूर से ही पहचान में आ जाती है कि हाँ ये अपनी वाली ट्रेन है। यही रीजन था मुझे ये वाले वंदे भारत को कवर करना था। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने ऑरेंज वंदे भारत कवर किया था ना, वो केरला वाले वंदे भारत का इनॉग्रल था। ये नॉर्मल रन होने वाला है। ये बाय द वे SMVT बेंगलुरु वंदे भारत है। काफी एक्साइटेड हुआ ये वाले वंदे भारत को कवर करने के लिए। एक्चुअली सीन क्या है ना, व्हाइट वाली वंदे भारत भी खूबसूरत है, लेकिन हम लोग देख देख के ना थोड़ा बोर हो गए। ऑरेंज वाली ना दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है अभी। तो इसका लुक वगैरह तो ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है। 5 बजे ये ट्रेन निकल जाएगी चेन्नई से। अभी टाइम देख लो 4:57 हो रहा है, और इस बार हमारा जो जर्नी हो रहा है ना वो चेयर कार में हो रहा है। भाई ट्रेन पूरा फुल है। एक भी समय इतना जोर लगा था ना कि सबसे पहले ट्रेन में हमें पानी मिला, मिलते ही देख लो आधा से ज्यादा पानी खत्म कर दिया है मैंने। सोच लो कितना गर्मी है। और न्यूज़पेपर भी पहले से ही रखा हुआ था, अभी मैंने ध्यान दिया। ट्रेन तो निकलते ही काफी स्लो चल रही है अभी। अपनी ट्रेन का वैसे एवरेज स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर, जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 130 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही हम लोग पेरम्बूर क्रॉस करेंगे टिल जोलार पेटाई तक ये स्पीड हमारी ट्रेन मेंटेन करेगी। वैसे इस ट्रेन से हम लोग 350 किलोमीटर कवर करने वाले हैं, वो भी 4.5 घंटे में, 2 हॉल्ट के साथ। 2 हॉल्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक काटपाड़ी जंक्शन, दूसरा कृष्णराजपुरम। देख लो मैं बताया ना, जैसे ही पेरम्बूर स्टेशन क्रॉस होगा हमारी ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 130 किलोमीटर पर आवर। ऑलरेडी देख लो 129 पे चल रही है अपनी ट्रेन। और ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि हम दूसरा वाटर बॉटल भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये अच्छा है। पानी बहुत लोग क्या करते हैं ना, वेस्ट कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है रेलवे का। बड़ा बोतल देने से क्या होता है कि लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। एक पियो, ख़त्म करो, फिर दूसरा मिलेगा, ये बेस्ट है। फिलहाल यही है अभी स्पीड, कुछ बढ़िया रहता है दिखाने का तो दिखाएंगे आपको। थोड़ी देर में बढ़िया सनसेट भी देखने को मिलेगा। अभी टाइम देख लो 5:41 हो रहा है, और ये आ चुका है हमारा इवनिंग स्नैक्स, जिसमें ये कुछ बीका जी का सोया स्टिक्स है, साथ में एक समोसा भी है, एक पीनट चिक्की है, सबसे बढ़िया चीज देख लो इलायची चाय है, ट्रॉपिकाना एप्पल जूस भी है, केचप भी है। जैसा उम्मीद था इस ट्रेन से एग्जैक्टली वैसा ही खाना पीना मिला है अभी हमें, लग रहा फ्रेश बनाया हुआ है। मुझे वो माहौल याद आ रहा है, इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं। बेस्ट समोसा ट्राई किया लवली, तो बता रही है अभी तक का उसका ट्राई किया हुआ सबसे बेस्ट समोसा है ये इस ट्रेन का। देखकर भी बहुत बढ़िया लग रहा है समोसा। इसके अलावा भी काफी कुछ मिला हुआ है, मेरा फेवरेट ये है पीनट चिक्की, ये मेरे को खाना बहुत पसंद है। इवनिंग स्नैक्स का समोसा भी बढ़िया है। अब डिनर से ना उम्मीद बढ़ गया हमारा, होप कि डिनर भी इनका अच्छा। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के। वैसे बाहर का व्यू ना जबरदस्त आ रहा है, लेकिन यही है ना हमें आज विंडो सीट एक भी नहीं मिला है। तो अभी आ गया हूँ मैं बाहर गेट के पास में, देख लो ताकि थोड़ा बहुत व्यू दिखा पाऊँ आपको।
ये क्या भाई, अंदर में फ्रेशनर भी और काम भी कर रहा है ये। इस वाले साइड है बड़ा सा मिरर, ये जो सोप डिस्पेंसर है ना ये भी ऑटोमेटिक है क्या? ओ भाई ये भी ऑटोमेटिक है, वाह। ये सोप डिस्पेंसर भी ऑटोमेटिक है, अभी देखना है ये हैंड ड्रायर काम करता है कि नहीं। काम तो अच्छे से कर रहा है सब कुछ। अभी रिसेंटली मैंने एक मलेशियन रेलवे को भी कवर किया था, सच बता रहा हूँ। वो सब ट्रेन से आने के बाद अपने इंडियन रेलवे को देखता हूँ ना, स्पेशली वंदे भारत को देखता हूँ, सच में एक प्राउड फील होता है कि नहीं भाई अपने पास भी काफी अच्छा अच्छा ट्रेन है। चेयर कार में देख लो आपको वॉश बेसिन कितना बड़ा मिलता है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो वॉशरूम भी है ना काफी बड़ा है। काठपाड़ी में हमारा पहुंचने का 6:23 का टाइम है और ट्रेन बिफोर पहुंच गई है ना, तो देख लो आउटर में रोक दिया गया हमारी ट्रेन को। और यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे ठंडा पानी चाहिए तो उन्होंने देख लो फटाफट दे भी दिया। अभी तक सर्विस तो बहुत अच्छी है, काफी अच्छी है। भाई प्लेन राइस नहीं है, जीरा राइस है, आलू गाजर की ये सूखी सब्जी, राइस, पनीर, दाल, इसमें पराठा है गर्मा गर्म, ये तो दही है, ये तो हम लोग खोलते भी नहीं है। तो देख लो यही मेरा आज का डिनर है। नॉन वेज में भी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये पनीर की जगह चिकन रहेगा। ये चिकन है, चिकन काफ़ी मसालेदार लग रहा है, वो लवली ट्राई करेगी तो बता देगी कैसा है। सबसे मेन पराठा गर्मा गर्म, और क्या चाहिए। पराठा तो नो डाउट काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन पनीर का जो सब्जी है ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये ट्राई करते हैं पनीर की सब्जी। एक्चुअली जो पनीर है ना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, पर जो पनीर का ग्रेवी है ना वो भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है। पराठा अच्छा है, लेकिन पराठा का वो जो मिक्स वेज की सब्जी है ना उसके साथ ट्राई करते हैं। ये जो पराठा है ना, वो जो सूखी मिक्स सब्जी है ना उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पनीर की ग्रेवी को ना राइस से ट्राई करते हैं। पता नहीं क्यों आज ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया इन्होंने। इन सभी चीज़ों में ये पराठा और ये सूखी सब्जी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो चलिए अब इनका चिकन ट्राई करते हैं। जैसे दिखने में लग रहा है मसालेदार, तो वैसा मसालेदार भी और तीखा भी है। चिकन तो सॉफ्ट है पर बहुत स्पाइसी है। ट्रेन में इतना स्पाइसी और मसालेदार खाना रिकमेंड नहीं करते, बट अब ऐसा मिला है तो खा तो नहीं पाएंगे, कोई नहीं दाल ट्राई करते हैं। वैसे ना इस ट्रेन में दो दो बार अनाउंसमेंट हो गया है कि एक बार तो किसी का फोन ही खो गया था, कहीं गिर गया होगा, वो बोल रहे थे कि अगर किसी को मिले तो दे देने के लिए। अभी अनाउंसमेंट हुआ कि किसी का सैमसंग का फोन चार्ज में लगा था, बोल रहे थे अगर किसी को मिलेगा तो बताना, मतलब कोई निकाल लिया चार्जिंग से, थोड़ा संभाल के रखना अपना फोन, यही बोलेंगे हम लोग। और अपना कीमती सामान, भाई मेरा बैग कहाँ है, उसमें मेरा पासपोर्ट है। फिलहाल यही अपना आज का डिनर है। डिनर मतलब थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। लवली को तो मैं बोलूंगा चिकन छोड़ ही दो, इतना स्पाइसी खाना खाओगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सबसे अच्छा वो आलू की सूखी सब्जी बेस्ट है और पराठा भी बेस्ट है, ये दोनों सबसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ से जो अपना अगला स्टॉप है वो यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है। और डिनर कम्प्लीट करते ही ये मिल चुका है हमें हमारा आइसक्रीम। सर्विस वगैरह अच्छा है, लेकिन यही है डिनर मजा नहीं आया खाकर, डिनर और बढ़िया हो सकता था। मैक्सिमम लोगों के प्लेट में मैं देख रहा था ना वो जो चिकन है, पनीर तो फिर भी लोगों ने खा लिया था, वो फ्रेश वगैरह चलो चलता है उतना, लेकिन चिकन मैक्सिमम लोगों के प्लेट में ऐसे ही पड़ा हुआ था। भाई अपनी ट्रेन यहाँ पे पूरी तरीके से खाली हो चुकी है कृष्णराजपुरम में। वैसे अपनी ट्रेन का ना यहाँ पे बस 2 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन पूरा खाली हो चुका है पूरा। वैसे भी यहाँ से बेंगलुरु स्टेशन ना बस 4 किलोमीटर दूर है। वैसे कृष्णराजपुरम में ना अपनी ट्रेन 16 मिनट डिले है, 16 मिनट, लेकिन बेंगलुरु पहुँचने का टाइम भी 9:30 बजे का, और बेंगलुरु यहाँ से कितना है, बस 4 किलोमीटर दूर है। चलो जी फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है कृष्णराजपुरम से। 4 किलोमीटर बाद अपनी ये ट्रेन पहुंच जाएगी अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि SMVT बेंगलुरु। चलो अब कुछ है नहीं दिखाने के लिए, अब अंदर चलते हैं। और यहां से अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना बस 1 किलोमीटर दूर है, बस ट्रेन को करते हैं डीबोर्ड। ओवरऑल काफी कमाल का एक्सपीरियंस रहा हमारा। 2 टिकट के लिए मैंने टोटल पे किया 2,300 रुपए के आसपास, पर पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो वही समझ लो इंक्लूडिंग फूड कैटरिंग 1,100 रुपए, खाना छोड़कर बाकी सब कुछ काफी बढ़िया था इस ट्रेन का। और यहाँ से बस 1 किलोमीटर का जर्नी रहेगा और मेरे को अभी एयरपोर्ट के पास से निकलना है। 10 मिनट बिफोर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है SMVT बेंगलुरु। टाइम से पहले तो पहुंच गए, लेकिन ऐसा कुछ करने को नहीं है, होटल जाके आराम से सोना ही है। वैसे देख लो ये है बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन जो कि किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, देख लो काफी खूबसूरत स्टेशन है। साफ सफाई की अगर मैं बात करूँ आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है। और ये रही हमारी आज की ऑरेंज वंदे भारत। यहाँ पे आपको सेफ लॉकर भी मिल जाएगा, लगेज लॉकर आप बोल सकते हो, ये तो फ्री चार्जिंग तो चलो चलेगा ही, इसके अलावा आप मसाज वगैरह भी ले सकते हो।
जाते हैं होटल, एक ही बार होटल से ये वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे कैब ने ना यहाँ पे ड्रॉप किया, यही हमारा होटल है देख लो, ब्लूम। जाते हैं अंदर। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ये होटल बुक किया है ब्लूम। ये जो ब्लूम होटल है ना, आपको बहुत जगह मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, मतलब अलग अलग, जैसे कैसे ओया होटल होता है, फैब होटल होता है, जिंजर होटल होता है, वैसे ये ब्लूम है। वाह, अंदर से तो मस्त लग रहा है यार। वैसे हमारा चेक इन हो गया, लेकिन यहाँ पे देख लो मस्त एरिया बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के ना टाइम पास कर सकते हो। और वहाँ देख लो नीचे की तरफ चार्जिंग सॉकेट भी है, मस्त यहाँ पे बैठ के आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो कि मैं करने वाला हूँ टाइम अगर रहा तो। और बाकी यहाँ पे ये जो ड्रिंक देख रहे हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, नाइस। यहाँ पे आप अपना देख लो टी कॉफी भी बना सकते हो, काफी कुछ है यहाँ पे, मंचीज है, चिप्स वगैरह भी है। मुझे ये कुकीज भी अच्छा लग रहा था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ले लिया मैंने। लवली देख लो, वाटर बॉटल और गुआवा जूस लेकर आ रही है। यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह भी है। अच्छा होटल लगा यार, इसको मैंने सर 4000 रुपए में बुक किया है। और यहाँ पे देखो किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक है, चेक इन टाइम देख लो 2 बजे, चेकआउट 11 बजे। जो चाय कॉफी का हम सोच रहे थे ना, वो यहाँ भी बना हुआ है, तो अगर आपको चाय कॉफी पीना है आराम से देख लो। यहाँ पे क्रीमर वगैरह सब कुछ रखा है, गरम पानी का भी सारा सिस्टम है। मेरा रूम 401 है। फाइनली अभी हम लोग रूम में चेक इन कर लिए हैं। भाई साहब इतना बढ़िया थीम इन्होंने बनाया है ना, येलो और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन में, मतलब कैसे बताऊं मैं, काफी क्यूट सा रूम लग रहा है। दिखाते हैं आपको रूम, ये देख लो यहाँ से हम लोग एंटर हुए। पहले तो ये एक बना हुआ है एरो कि आप इधर जा सकते हो, और ऐसा कुछ अपना रूम है देख लो, बेड देख लो एक बार, तो देख लो कितना बढ़िया लग रहा है ये। आप कमेंट करके बताना आपको ये रूम कैसा लगा, मेरे को तो बहुत सही लगा। और वॉशरूम भी इनका ऐसे ही है कुछ, देख लो बाहर का व्यू भी बढ़िया है, लेकिन अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, सुबह दिखाएंगे आपको। अदरवाइज कुछ ऐसे ही रूम है अपना, कमेंट करके बताना आपको रूम कैसा लगा। अपने ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आपको यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम गए थे मरी वाली साइड पे, तो हमें मतलब फैमिली रूम जो रूम थे वो मतलब काफी कॉस्टली थे वहाँ पे, और इस तरह के जो रूम थे वो 13,000-14,000-15,000 ऐसे मतलब वो दे रहे थे, इतने कॉस्टली थे मतलब। लेकिन ये सबसे जबरदस्त मुझे लगा ना, नहीं नहीं अच्छा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, और क्लीन बहुत था, साफ सुथरा था, और मतलब काफी जबरदस्त। और ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन जो है वो काफी अच्छा, उन्होंने खाना फूड जो है उसको अच्छा रिव्यू नहीं किया, फूड जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब नाइट टाइम जो मिला था ना वो जरा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पनीर जो था वो जरा उसका टेस्ट नहीं था लग रहा, क्योंकि वो लगता वैसे इनका क्या होगा इस आपके जो फूड है वो टिकट के अंदर इंक्लूड है ही है, नहीं वो आपकी मर्जी है ना, आप खाते हैं या नहीं खाते वो अलग बात है, लेकिन आपको पैसे भरने पड़ेंगे 1100 रुपया पर पर्सन, तो ठीक है। जैसे आप प्लेन में जाते हैं, बसों में भी जाते हैं, डेवो वाली बस में डेवो में आपको मिलते हैं, दे देते हैं बोतल वगैरह, कोई खाए खाए ना अंदर वो, लेकिन वो इस तरह का खाना नहीं होता है, वो जस्ट 5-5, 20-20 रुपए। नहीं वो बसों में तो वो बिस्किट्स देते हैं, कुछ स्नैक्स होते हैं, और एक केक होता है, कोल्ड ड्रिंक वो होता है, ऐसे खाना तो नहीं देता, खाना नहीं देते, खाना इस तरह हो तो ठीक है, वैसे बीच में वो भी अपने पैसों का। तो चले जी, उतने की टिकट होती है उतने का खाना नहीं, प्लेन का जो होता है वो टिकट के अंदर होता है, नहीं प्लेन का तो नहीं, प्लेन का एक्सपीरियंस सिर्फ इसे ही है, प्लेन का भी प्लेन का तो तुम सिर्फ खड़े जहाज पे बैठे हो, और कोई बैठा नहीं है अभी। अभी हम जाएंगे ना, वीजा मिलेगा इंडिया जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह, या फिर हम करने फिर जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा कि वहाँ पे मतलब प्लेन का जो है एक्सपीरियंस क्या होता है। हाँ चले चले नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।